नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज। देखिए, हमारे साथ में पूर्व सोच सराय के आपको दरोगा है, जो उनका कार्य कैसा रहा था आपको तो पता ही होगा, और पूर्व विधायक राजगीर के पूर्व विधायक थे हमारे साथ में रवि ज्योति। सर, चिराग पासवान का कहना कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, और चिराग जी का क्या कैरेक्टर है माननीय चिराग जी का, हमको समझ में नहीं आता है। राजनीतिक है पता नहीं, उनकी तो अपनी पहचान है नहीं, आदरणीय रामविलास जी की पहचान है। जो जो जिसको दर्द होगा वही ना समझ पाएगा कि दर्द क्या होता है। जिसको स्पून लेके पैदा लेगा वो क्या जानेगा फील्ड में, वो क्या जाने। नौजवान पासवान लोग उनके पीछे बौराए हुए हैं, और इसकी खामियाजा पासवानों को भुगतना पड़ रहा है और भुगतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के नौजवानों को कहता हूँ कि भविष्य को देखे। ये जो भावनाओं में बह के किसी के पीछे पागल हो रहे हैं, तो वो पागलपन वाला जो स्थिति है, जिसके पीछे पागल हो रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं। आदरणीय माननीय चिराग जी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मोटो क्या है? खाली बोलने से बोल जाएगा कि बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट, कभी आप लोग ये जानने का कोशिश किए हैं? ये लोग दलितों का, वंचितों का ये लोग दुश्मन हैं। थोड़ा पढ़ लिख के, थोड़ा पैसे कमा लेके, वो नाम कमा लेने से सोचते हैं कि मैं दलितों का उद्धार कर दूंगा, और दलित ये सोच रहे हैं कि मेरा ये प्रॉफिट है, तो बहुत बड़े भूल में है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गद्दार कोई है तो दलित का लीडर, और दलितों को ठगता है, या हम हो या कोई और हो। सर, इंडिया गठबंधन 40 की 40 सीट ला पाएगी सर बिहार में? आप देखिए रहे हैं, पसीना छुड़ाए हुए हैं जो लाली जी जो स्ट्रेजरी बनाए हैं, आदरणीय लालू जी, जो सहमत की चाल पे पूरा पसीना फेंक रहा है, 35 हेलीकॉप्टर पर ला दिए हैं, सारे के सारे यहीं लैंड कर रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए। रोजगार तो मिला, 17 महीना तेजस्वी जी ने सरकार चलाया, मुखिया नहीं थे, ड्राइविंग सीट पर माननीय नीतीश कुमार जी थे जी। लेकिन 17 महीने में उन्होंने 4.5 लाख के करीब करीब नौकरी देने का काम किया। 2020 में उनका मैनिफेस्टो में था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन किसी कारणवश हम 1 दर्जन सीटों से पीछे रह गए, हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जब महागठबंधन बना, नीतीश जी हम लोगों की तरफ आए, तो अपना एजेंडा लागू करते हुए तेजस्वी जी ने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिलाया। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे तो वो क्या जाने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तो कितना रोज़गार आपने दिया? तो आपका विज़न रोज़गार देने का नहीं था, और आपने ही कहा था कि ये जो ऐलान कर रहा है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार देगा, तो कहाँ से देगा? अपने बाप के यहाँ से लाएगा जी? जेल से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा आएगा? तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए नौजवान बेरोज़गार सब में एक उमंग है। नौजवान चुनाव लड़ रहा है इस बार, नीतीश जी के वादे पर अब कोई भरोसा किसी को नहीं रहा बिहार के लोगों को, इसलिए नौजवान चुनाव लड़ रहा है। अगर नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो लोग दे रहा है, क्योंकि वादा तो सच्चा किया उन्होंने। 17 महीने में जितना दे सकते थे 4.5 लाख के करीब उतना दिया, और मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ देंगे हर साल, तो कहाँ दिए? 10 दुनी 20 करोड़। 1.25 लाख नौकरी रेलवे में हर साल निकलता था, ये हम झूठ नहीं बोले, 10 साल पहले का आप देखिए, 1.25 लाख नौकरी निकलती थी, अब कितना निकलता है? 5.5 हज़ार। 1.25 लाख के अगेंस्ट में 5600 नौकरी निकली। सर, नालंदा लोकसभा जो नीतीश कुमार का गढ़ है, सर गढ़ किसी का लगातार कोशिश 15 वर्षों से, गढ़ किसी का नहीं होता है। जनता जब रोड पर आ जाती है, बदलाव चाहती, तो गढ़ किसी का रहा है? गढ़ किसी का नहीं रहता। ये भ्रम हो जाता है कि ये उनका गढ़ है, ये उनका गढ़ है, ये इनका क्षेत्र है, उन क्षेत्र जनता का होता है, वो जिसको चाहे मालिक बना, वो फैसला हो जाएगा 1 जून को।